दिल्ली हूँ। मैंने देखा कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता में किस तरह धरती सिंह ने सारे तलवारबाजों को धरती चटा दी। वो पुरस्कार लेने के लिए राजकुमारी संयोगिता के सामने आए तो संयोगिता ने उनको पहचान लिया कि वो महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं। इसके बाद उद्यान में मिलने का वादा हुआ। इधर संयोगिता पृथ्वीराज से मिलने उद्यान जाने की तैयारी कर रही थी, उधर आल्हा और उदल धरती सिंह की प्रशंसा कर रहे थे कि तभी महाराज जयचंद के कक्ष में कबूतर आया अनंगपुर से चकोरी का संदेश लेकर, जिससे उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज कन्नौज में है। इधर पृथ्वीराज संयोगिता से मिलने उद्यान में आए। संयोगिता भी उद्यान में थी। जयचंद ने सेनापति को बताया कि उनका सबसे बड़ा शत्रु पृथ्वीराज चौहान इस समय राजमहल में है। सैनिक दौड़े पृथ्वीराज की तलाश में और मेरा हृदय कांपने लगा कि पृथ्वीराज और संयोगिता की इस भेंट का परिणाम क्या होगा। इन नजरों की प्यास तो बुझ गई राजकुमारी, अब अपनी वाणी का अमृत टपका कर इस प्यासी आत्मा की प्यास को भी बुझा दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया हमने? कोई भूल हो गई हमसे? आपने तो हमें कहने का अवसर ही नहीं दिया कि हमारे प्राण आपके प्राणों में बसते हैं, और आप अपने प्राणों को संकट में डालकर यहां चले आए। राजकुमारी, जब से आपको देखा है हम अपने आप को भूल गए हैं। हम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपके पास आए हैं राजकुमारी, ये पूछने के लिए कि आपको देखने की जो ललक, जो तड़प, जो बेचैनी हमारे दिल में है, क्या वो तड़प वो बेचैनी आपके दिल में भी है? इसका उत्तर हमारे पास नहीं, आपके पास है महाराज। हमारे पास? हाँ, और आपका कन्नौज आना इसी बात का प्रमाण है। शायद ही आज तक किसी वीर ने अपने शत्रु की कन्या पर इतना भरोसा किया होगा जितना आपने किया है। मगर महाराज, हमारी इस बात का उत्तर दीजिए। पूछिए। जिस समय आप हमारे हाथों से पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे, उसी समय हमने आपको पहचान लिया था। अगर तब हम आपका भेद खोल देते तो क्या होता? होता क्या राजकुमारी, प्रेम का एक नया इतिहास लिखा जाता जिसमें हमें नायक बना दिया जाता। संसार के सारे प्रेमियों की आंखें कुछ देर के लिए नम हो जाती, और जो लोग प्रेम नहीं करते वो आत्मघात की हमारी इस मूर्खता पर हमारी हंसी उड़ाते। और क्या? नहीं महाराज, आपकी मूर्खता नहीं, आपका विश्वास आपको यहां लाया है। हाँ, मेरा विश्वास। शायद मैं दुनिया का पहला प्रेमी हूं जो शत्रु की सीमा में इस विश्वास के साथ आया है कि राठौड़ों की जिस कन्या को वो प्रेम करता है, क्या वो भी उससे उतना ही प्रेम करती है? अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करती तो अब तक मुझे अपने क्षत्राणी होने का परिचय दे देती। आत्मघात की मूर्खता तो मैं कर चुका हूं राजकुमारी। मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि प्रेम की जो ज्वाला मेरे हृदय में सुलग रही है, क्या वही ज्वाला तुम्हारे हृदय में भी है? जिस हृदय की आप बात कर रहे हैं, उस हृदय को तो हमने खड़ी सिरसा में आपके चरणों में छोड़ दिया था। अब हम क्या जाने कि इस हृदय में आपके लिए कितनी प्रेम ज्वाला है। बस बस राजकुमारी, आपके मुख से यह उत्तर सुनने के बाद अब इस प्रेम को आगे बढ़ने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं रोक सकती।
महाराज, ये बात तो निश्चित है कि ये प्रेम कथा लिखी तलवारों के साय में जाएगी। अब देखना यह है कि हमारे माथे पर आपके सिंदूर की बिंदियां दमकती है या फिर हमारे रक्त की बिंदियां। राजकुमारी, राजकुमारी, अनर्थ हो गया, राजकुमारी अनर्थ हो गया। क्या बात है चित्रा? महाराज को इनके यहाँ आने की खबर हो चुकी है। अब तक तो वो सैनिकों को आदेश भी दे चुके होंगे। क्या, लेकिन उन्हें ये सूचना दी किसने? ये सूचना किसी गुप्तचर ने अनंगपुर से भेजी है। अनंगपुर में कन्नौज के गुप्तचर? तब तो हमें अपने कक्ष में जाना पड़ेगा राजकुमारी। क्या कहा आपने, अपने कक्ष तक? लेकिन क्यों महाराज? मेरी तलवार मेरे कक्ष में है। एक बार मेरी तलवार मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इस आने वाले तूफान का सीना चीर कर यहां से निकल सकता हूं। नहीं नहीं महाराज, अब आप अपने कक्ष तक नहीं जा सकते। आप चलिए हमारे साथ। कहां? जहां हम कहें। राजकुमारी, क्या आप चाहती हैं कि हम कायरों की तरह मुंह छुपाकर यहां से भाग जाएं? महाराज, आप मत भूलिए कि इस वक्त आप प्रेमी हैं, योद्धा नहीं, और आपको यहां से प्रेम पूर्वक विदा करना हमारा धर्म है। हाँ, अगर कभी इस प्रेम के कारण युद्ध करना पड़ा तो परंपरा अनुसार हम स्वयं अपने हाथों से आपको यह तलवार देंगे, मगर इस वक्त तलवार की आवश्यकता नहीं है। आप चलिए हमारे साथ। राजकुमारी। महाराज, आप चलिए हमारे साथ। चलिए महाराज, चलिए। लगता है कि धरती सिंह अपने कक्ष में नहीं है। महाराज, धरती सिंह की तलवार तो यही है, वो भी यहीं कहीं आसपास होगा। तलवार यही है? फिर तो उसे भी कहीं आसपास ही होना चाहिए। ये तलवार तो बहुत भारी है। लाइए महाराज, मैं देखता हूं। जी हाँ महाराज, ये तो सचमुच बहुत भारी तलवार है। दिखाइए दादा। महाराज, इस सारे क्षेत्र में दो ही ऐसे योद्धा हैं जो इतनी भारी तलवार चला सकते हैं, जिनमें से एक हैं दादा आला और दूसरा है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धरती सिंह की वेशभूषा में यहां आने वाला पृथ्वीराज चौहान ही है। जी हाँ महाराज, अब तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धरती सिंह ही पृथ्वीराज चौहान है। अन्नदाता की जय हो। सेवक, अतिथि धरती सिंह कहां गए? अन्नदाता, उन्होंने इतना ही कहा था कि वो उद्यान की ओर जा रहे हैं। क्या, उद्यान की ओर? तो राजकुमारी संयुक्ता भी गई है। आला, हमें तुरंत उद्यान की ओर चलना चाहिए। चलो। ये कहां ले आई आप हमें राजकुमारी? ये खुफिया रास्ता है महाराज, आप यहां से चलिए। चलिए। महाराज,
जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए। मगर ये घोड़ा, ये यहाँ कैसे आया? इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। जब आपने हमसे उद्यान में मिलने के लिए कहा था, तभी एक डर सा था हमारे मन में, इसलिए हमने ये व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। राजकुमारी, ये सब देखकर हम हैरान हैं। हमने तो सुना था कि प्रेम पागल होता है। हाँ, सच सुना था आपने, और अब इसमें कोई शक भी नहीं रह गया है। वो कैसे राजकुमारी? हम अपने पिता के सबसे बड़े शत्रु को दिल छूते बैठे हैं। राजकुमारी, अपने प्रेम का आरंभ तो बड़ा ही सुंदर हुआ, अब इसका अंत भी? नहीं महाराज, हम ऐसे अंत की कल्पना भी नहीं कर सकते। चिंता ना कीजिए राजकुमारी, इसका आरंभ शत्रु के हिसाब से हुआ है, किंतु इसका अंत पृथ्वीराज के हिसाब से होगा। महाराज। राजकुमारी। महाराज, अब और देर ना कीजिए, जल्दी जाइए। चलता हूं। महाराज, जब मैं आपके पास से यहाँ आई तो मुझे राजकुमारी यहाँ पर नहीं मिली। मैंने चारों ओर उद्यान में देख लिया उन्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वीराज को पता चल गया हो कि हमें उसकी असलियत का पता चल गया है, और उसने राजकुमारी का अपहरण करके उसे बंदी बना लिया हो? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, मगर पृथ्वीराज चौहान ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्त्रियों का सम्मान करना जानता है। नहीं महाराज, अगर उसने राजकुमारी को बंदी बनाया तो इसका मतलब वो पृथ्वीराज चौहान नहीं, वो केवल धरती सिंह है। अगर ऐसी बात है तो फिर राजकुमारी संयोगिता गई कहां? महाराज, राजकुमारी संयोगिता? पिताजी आप? पुत्री, कहाँ थी तुम? हम बस उद्यान में ही थे। और पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान? हाँ, पृथ्वीराज चौहान। पिताजी, जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे राज्य में पृथ्वीराज नाम का कोई व्यक्ति तो है नहीं। पुत्री, जिस व्यक्ति को तुमने उस दिन पुरस्कार दिया था वो पृथ्वीराज चौहान ही था, हमारा शत्रु पृथ्वीराज चौहान। पिताजी, जिन्हें हमने पुरस्कार दिया था वो धरती सिंह थे। वो हमें मिलने आए थे, हमसे विदा लेने। उन्होंने हमें धन्यवाद दिया, और शिष्टाचार के नाते हम बस उन्हें विदा करके ही आ रहे हैं। उदल, जिस तरफ पृथ्वीराज चौहान गया है उस तरफ सैनिकों को जाने का आदेश दे दो। जो आ गया महाराज। मगर पिताजी, उन्हें गए हुए तो बहुत देर हो चुकी है। राजकुमारी ठीक कह रही है महाराज, अब उसके पीछे किसी को भी भेजना व्यर्थ होगा, क्योंकि जब तक हमारे सैनिक उस तक पहुंचेंगे वो अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका होगा। पिताजी, ये सब क्या है? पुत्री, तुम्हारे प्राणों पर से बहुत बड़ा संकट टल गया है। जिसे तुम विदा करके आई हो वो धरती सिंह नहीं, धरती सिंह के वेश में पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान? ये तो कमाल हो गया पिताजी, जिसे हम धरती सिंह समझ रहे थे वो पृथ्वीराज चौहान निकले, और हम में से किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। पहचान तो हम उसे गए थे बेटी, मगर वो हमारे हाथों से बचकर निकल गया। मगर पिताजी, अगर वो पृथ्वीराज चौहान थे तो उनके यहां आने का कारण क्या हो सकता है? हाँ पुत्री,
तुम्हारी इस बात पर बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि पृथ्वीराज यहां क्यों आया था और किस लिए आया था। चलो। इन दोनों को तुम। मैं जो भी हूं मगर तुम यवन सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा के अंदर ऐसा जघन्य अपराध करने की अनुमति किसने दी? चुपचाप चले जाओ, हमारे काम में दखल न दो वरना खौमखा मारे जाओगे। मैं कहता हूं छोड़ दो इन्हें। और हम कहते हैं चले जाओ यहां से, हमारे गुस्से को मत ललकारो। गुस्सा सिर्फ कायरों को आता है, वीरों को नहीं। तुम लोग इतने सारे हो और तुम्हारे सामने ये घायल और इसके साथ एक स्त्री। मैं कहता हूं मैं ये हत्या नहीं होने दूंगा। तुम्हारी दुश्मनी का जो भी कारण हो, दुनिया का कोई कानून किसी निहत्ते की हत्या करने का अधिकार नहीं देता किसी को। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। इससे पहले हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। कर दो इसका सर कलम। Oh!
आपने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाई। इस एहसान को तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, मगर आज हमारी आंखों ने वीरता का वो प्रदर्शन देखा है जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते। आपकी जुबानी हमें ये भी मालूम हुआ है कि यह धरती महाराज पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा है। हम इन लोगों से बचने के लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान की पनाह में जा रहे थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ हमें बचाने वाले हमारे मुआफिस का नाम क्या है? मैं धरती सिंह हूँ, महाराज पृथ्वीराज चौहान का अंगरक्षक। महाराज पृथ्वीराज चौहान के अंगरक्षक और निहत्थे? मैं अवकाश पर था, अपने ससुराल से वापस आ रहा था। मगर देवी आप कौन हैं? मैं चित्ररेखा हूँ, सिंधु राज्य की राजनर्तकी की बहन। और ये? ये मीर हसन है, गजनी के सुल्तान मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी के छोटे भाई। हुआ? कुछ नहीं। इनकी हालत तो बहुत गंभीर है, इस समय इन्हें राजवैद्य तक ले जाना बहुत जरूरी है। आपके इस उपकार के बदले आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। नहीं नहीं बहन, ये उपकार नहीं है, ये तो मेरा मानव कर्तव्य है। घुड़सवारी जानती हैं आप? जी। चलिए। आइए जल्दी। महाराज, अगर पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज जाने का कारण आपके सैन्य साधनों का पता लगाना था तो विश्वास कीजिए उसको इसका अवसर नहीं मिल पाया। हाँ रावाला, वो इतने बड़े साम्राज्य में हमें अकेला चुनौती देकर चला गया। जब हमें इस बात का ध्यान आता है तो हमें अपनी असावधानी और अपने कुपचरों की बेखबरी पर गुस्सा आता है। पुत्र जयचंद, अब गुस्से को छोड़कर हमें उसे इस बात का बहुत जल्द उत्तर देना चाहिए। लेकिन पिताजी, इस बात का उत्तर हो क्या सकता है? महाराज, इस बात का एक ही उत्तर हो सकता है। आपने जो राजसूय यज्ञ करने की योजना बनाई थी, अब उसकी तैयारी आरंभ कर दीजिए। देश के जितने राज्य हैं उन सबको इस राजसूय यज्ञ की सूचना दे दीजिए। वीर उदल, फिर तो परंपरा अनुसार इस बात की सूचना पृथ्वीराज चौहान को भी देनी पड़ेगी और वो इसका विरोध अवश्य करेगा। और यदि उसने इस बात का विरोध किया तो क्या करेंगे हम? तब तो हमें इसका उचित उत्तर देना पड़ेगा महाराज, और इसका ऐसा उत्तर देंगे हम कि वो दोबारा इधर देखने का साहस भी नहीं कर पाएगा। हाँ महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके विरोध का सामना हम करेंगे। और शायद ये पृथ्वीराज चौहान का दुर्भाग्य है कि उसकी तलवार कन्नौज में रह गई, जो अब उसके सर की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि इस बार तलवारबाजी की प्रतियोगिता नहीं, उसकी वीरता की परीक्षा होगी, और जिसका परिणाम पुरस्कार नहीं उसका कटा हुआ सर होगा। वीराला, अगर ऐसी बात है तो पृथ्वीराज चौहान को इस सूचना का पत्र हम अपने हाथों से लिखेंगे, और ऐसा पत्र लिखेंगे जिसे पढ़कर वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। हम आज ही राजसूय यज्ञ की तैयारियां आरंभ करने जा रहे हैं। आज से हमारी सेना आपकी निगरानी में होगी और हमारे सेनापति आपसे आदेश प्राप्त करेंगे।
पुत्र जयचंद, हम तुम्हारे इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। महामंत्री। आज्ञा न दाता। राजपुरोहित और सारी ब्राह्मण सभा को इस राजसु यज्ञ की सूचना दे दो। जो आज्ञा न दाता। पुत्र जयचंद, तुम पृथ्वीराज चौहान को अवश्य पत्र लिखो। मुझे इस बात की प्रतीक्षा रहेगी कि इस सूचना का हमारे शत्रु पर क्या प्रभाव पड़ा। पिताजी, मुझे प्रभाव की नहीं परिणाम की प्रतीक्षा है। महाराज, परिणाम वही होगा जो दादा आला ने कहा। महाराज, महाराज। चंदवरदाई। महाराज पृथ्वीराज चौहान, आप अनंगपुर वापस आ गए। आपके मित्र कवि चंदवरदाई के शरीर में जान आ गई। क्यों कवि चंदवरदाई, क्या आपको विश्वास नहीं था कि हम वापस लौट आएंगे? नहीं महाराज, आप पर विश्वास था मगर बैरी के बैर पर विश्वास नहीं था। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम पृथ्वीराज चौहान है। महाराज, मैं व्याकुल हूं कन्नौज के समाचार सुनने के लिए। बसंत उत्सव कैसा रहा? मित्र, हम कन्नौज गए तो थे अकेले, मगर वापस अकेले नहीं आए। एक यादों का मेला साथ लाए हैं, यादों का मेला। महाराज, आपकी राजकुमारी संयोग्यता से प्रेम भेंट कैसी रही? वो हमारे साथ थी, हम उनके साथ थे, मगर उन्होंने हमें पहचाना नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ चंदवरदा, यही हुआ। हम वहां पृथ्वीराज के वेश में तो थे नहीं, धरती सिंह के वेश में थे। फिर तलवारबाजी की प्रतियोगिता हुई। पाटलिपुत्र के धरती सिंह ने सारे तलवारबाजों को एक साथ धूल चटा दी। सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज घोषित किया गया हमें। लेकिन चंदवरदाई, जब हम पुरस्कार लेने राजकुमारी के सामने गए, तब हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हमने इशारों में अपना असली परिचय दिया राजकुमारी को, फिर जानते हो क्या हुआ? हमें पहचानते ही राजकुमारी के हाथों से पुरस्कार गिर पड़ा। फिर क्या हुआ महाराज? फिर हमने राजकुमारी के हाथों से पुरस्कार लिया, उनके नैनों से पुरस्कार लिया, उनके हृदय से पुरस्कार लिया। कविराज, वो सम्मान अभी भी हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। महाराज, उधर आप कन्नौज में थे और इधर मेरा मन व्याकुल था और डर भी रहा था। जब से आप गए हैं एक पल भी नहीं सोया मैं। बड़े अजीब अजीब विचार आ रहे थे मन में। इसलिए कि तुम मित्र हो हमारे, दिल से चाहते हो हमें। मेरे चाहने की बात छोड़िए महाराज, अपनी चाहत की बात सुनाइए। हमारी चाहत तो रंग लाई है चंदवरदाई। हाँ, और तुमने बिल्कुल सच कहा था। जो व्याकुलता, जो बेचैनी, जो तड़प हमारे दिल में है, वही व्याकुलता, वही बेचैनी राजकुमारी के दिल में भी है हमारे लिए। पुरस्कार समारोह के बाद उद्यान में मिलने का वादा किया था। वो वादा पूरा किया राजकुमारी ने? हाँ मित्र, प्रेम मिलन की बड़ी सुहानी घड़ी थी वो। तो शरीर प्रेम की अग्नि में चल रहे थे, फिर वो हमसे मिलने आई, मगर अभी मिलन की देवी ने अपनी पलकें भी नहीं खोली थी। हम उसे अपनी बाहों के बंधन में बांध भी नहीं पाए थे। अभी सांसों में सांसें घुली भी नहीं थी, अभी होठों की प्यास अधूरी थी कि हमें वापस लौटना पड़ा चंदवरदाई। क्या वापस लौटना पड़ा? हाँ मित्र, ये मिलन अधूरा ही रह गया। मगर महाराज, कारण? चंदवरदाई, महाराज जयचंद को हमारे कन्नौज में रहने का पता चल गया। क्या? ये कैसे हो सकता है?
मैं भी यही सोचकर हैरान हूं कि यह कैसे हो गया। चंदुवरदाई, कन्नौज राज्य का कोई गुप्तचर इस समय हमारे राजमहल में मौजूद है। कन्नौज राज्य का गुप्तचर हमारे राजमहल में? हाँ, और इस बात पर इसलिए विश्वास करना पड़ा क्योंकि स्वयं राजकुमारी संयोगिता की सहेली ने बताया कि अनंगपुर से किसी गुप्तचर का संदेश आया था कि पृथ्वीराज चौहान कन्नौज में है, मगर कविराज मेरे कन्नौज जाने की बात या तो मैं जानता था या तुम। क्या महाराज? तो क्या आप मुझे? नहीं नहीं मित्र, नहीं। अगर कोई यह कहे कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है तो मैं मान सकता हूं, मगर मैं यह कभी नहीं मान सकता कि मेरा मित्र कन्नौज राज्य का गुप्तचर है, कभी नहीं। फिर भी मित्र, एक प्रश्न है जो अपनी जगह खड़ा है कि जो बात हम दोनों के बीच हुई थी उसका पता तीसरे कान तक कैसे पहुंचा?